So hey everyone, this is Shubhankar here from Quantsapp. Thank you so much for joining me in this video. So in today's video, we will understand what derivatives exactly look like. In the last video, we have explained what exactly derivatives are. So in this video, we will understand what people use exactly derivatives, why they use and why they trade exactly. Okay? So first, derivatives are instruments which are usually traded. मतलब काफी लोग जो है डेरिवेटिव ट्रेड करते हैं rather than investment. अभी शेयर्स में कैसा होता है? In any stock, let's say I am liking a stock fundamentally over a long term period. Let's say कि जैसे Infosys जैसा stock हो गया या anything. Okay, it can be anything. It can be Reliance. It can be Wipro. Anything. ठीक है? If I am liking any stock, I can invest in that. मतलब मैं उसमें invest करके पैसा छोड़ दे रहा हूँ. लेकिन derivatives में usually लोग जो है एक ट्रेड करने के पर्सपेक्टिव से आते हैं. तो देयर आर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स टू केसेस अब ट्रेडर एंटर्स इनटू डेरिवेटिव सेगमेंट, या तो स्पेक्यूलेट करने या तो फिर हेजिंग के पर्पस से. ये दो पर्पस से मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स डेरिवेटिव सेगमेंट में आते हैं. तो अभी हम समझते हैं कि एग्जैक्टली डेरिवेटिव क्यों एग्जिस्ट करता है. सो अभी समझते हैं स्पेक्यूलेशन क्या होता है. स्पेक्यूलेशन इज बेसिकली बेटिंग. मतलब बेटिंग एज इन ऐसा नहीं है कि कोई भी फ्यूचर्स बाय या सेल कर लिया, ऑप्शंस बाय या सेल कर लिया. नॉट इट्स नॉट गैम्बलिंग विच आई एम सेइंग, बट यू आर प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ मार्केट एंड वहां से हम एक प्रॉफिट बनाने का ट्राई कर रहे हैं. ठीक है. सो नाउ लेट्स से कि स्पेक्यूलेशन क्या होता है. लेट्स से अभी यहाँ से मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो आई एम बाइंग अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट. आई एम डूइंग आई एम स्पेक्यूलेटिंग कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा. सिमिलरली लेट्स से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट नीचे जाएगा, तो व्हाट आई एम डूइंग आई विल शॉर्ट सेल निफ्टी फ्यूचर्स. मतलब मैं निफ्टी का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो है वो शॉर्ट कर सकता हूँ. तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी जो भी प्राइस है निफ्टी का, तो लेट्स से इट इज 15,700. सो लेट्स से निफ्टी इज एट 15,700. ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. तो अगर मुझे लग रहा है यहाँ से मार्केट जो है नीचे जाएगा, तो व्हाट आई डिड इज बेसिकली आई शॉर्ट सेल्ड निफ्टी. ठीक है, मैंने निफ्टी का जो फ्यूचर्स है उसको शॉर्ट सेल कर लिया. ठीक है, तो यहां से मेरा अभी क्या व्यू है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो मैंने एडवांस में निफ्टी का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट सेल कर दिया. तो जब भी निफ्टी का प्राइस यहां से 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, यहां से लेट्स से कि 15,000 हो गया. ठीक है, सो यहां से निफ्टी का प्राइस अगर 15,000 हो गया 10 डेज डाउन द लाइन, तो यहां पे मेरा जो 700 रुपीज का जो डिफरेंस है, ठीक है, सो विच इज इक्वल टू 700 रुपीज. ठीक है, 700 पॉइंट्स बोल दो, रुपीज बोल दो, दैट इज बिकम, दैट बिकम्स माई प्रॉफिट. बेसिकली मैंने किया क्या, मैंने 15,700 पे निफ्टी फ्यूचर्स को सेल कर दिया, एंड जब 15,000 पे निफ्टी आएगा मैंने उसका स्क्वायर ऑफ कर दिया, मैंने उसको बाय बैक कर लिया. जो ये बाय बैक करते हैं हम, उसको कहते हैं स्क्वायर ऑफ. मतलब हमने कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बेच के रखा हुआ है, फिर जब उसका प्राइस नीचे जाएगा हम उसको रिटर्न बाय कर लेंगे. यूजुअली हम कैसे करते हैं, बाय करते हैं, फिर जैसे प्राइस ऊपर जाता है हम सेल करते हैं, दैट बिकम्स माई प्रॉफिट. तो यहाँ पे जब हम शॉर्ट सेल करेंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा, जब हमने एडवांस में कुछ चीज बेचा है, लेट्स से 15,700 पे, 15,000 पे निफ्टी आया, दैट 700 पॉइंट्स बिकम्स माय प्रॉफिट. तो अभी लेट्स से शॉर्ट सेल वाले एग्जांपल को अगर हमें और एक प्रैक्टिकल वे में समझना है, जैसे हम करते हैं कॉन्सेप्ट में टू ट्राइंग टू सिंप्लीफाई द कॉन्सेप्ट, तो वो करते हैं हम. लेट्स से कि हम मोबाइल शॉप में जाते हैं कोई एक मोबाइल परचेस करने के लिए. ठीक है, तो यूजुअली लेट्स से कि अगर हम शॉप में जाते हैं एंड शॉपकीपर के पास जो हमें मोबाइल डिवाइस चाहिए वो ना हो, तो व्हाट इट डज इज बेसिकली वो हमें ये कहता है कि ओके आप एडवांस में एक एक्स अमाउंट दे दो हमें. ठीक है, लेट्स से कि हमने उनको 10,000 रुपीज़ दे दिए, जो फ़ोन का प्राइस है हमने 10,000 रुपीज़ शॉपकीपर को दे दिया. ठीक है, तो शॉपकीपर के पास तो फ़ोन है नहीं अभी, तो शॉपकीपर क्या करेगा, किसी और शॉपकीपर के पास, इट माइट बी इज फ्रेंड, इट माइट बी इज कलीग, तो उनके पास जाके वो सेम डिवाइस 8,000 रुपीज़ में ले आएगा. तो उससे क्या होगा, 10,000 रुपीज़ में उसने हमें बेच दिया, उनको कितने में मिला, 8,000 रुपीज़ में. तो ये जो 2,000 रुपीज़ का जो गैप है, दैट बिकम्स इज नेट प्रॉफिट व्हेन यू आर शॉर्ट सेलिंग इट. तो या तो आप पहले बेच के फिर बाय करो, दैट इज फाइन, या तो फिर बाय करके आप बेचो. जब आप बाय करके हम सेल करेंगे तो हमें चाहिए कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जाए, जब हम सेल करके बाय करेंगे तभी हमें चाहिए, हम जब शॉर्ट सेल करेंगे तभी हमें चाहिए कि स्टॉक का जो प्राइस है या इंडेक्स का प्राइस है वो नीचे जाए. तो बेसिकली फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू या फिर डेरिवेटिव्स के थ्रू, फ्यूचर्स हो गया, ऑप्शंस हो गया, हम समझेंगे ऑप्शंस के बारे में भी आने वाले वीडियो में एंड फ्यूचर्स के बारे में भी, बेसिकली हम दोनों साइड के मार्केट में
मार्केट जब नीचे भी जा रहा हो तभी भी हम उसमें से पैसा निकाल सकते हैं. सिमिलरली मार्केट ऊपर जा रहा हो, वी कैन ट्राई टू ट्रेड इट एंड गेट द मनी आउट ऑफ इट, वी कैन मेक अ डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. तो अभी समझते हैं सेकेंड सिनेरियो कि एग्जैक्टली जो पार्टिसिपेंट्स है वो एंटर क्यों करते हैं डेरिवेटिव्स, तो विच इज हेजिंग. तो हेजिंग क्या होता है, बेसिकली यू ट्राई टू लिमिट योर लॉसेस, मतलब जो हमारा लॉस होने वाला होता है यू ट्राई टू रिड्यूस इट, यू ट्राई टू लिमिट और कैप दैट लॉस टू एन एक्सटेंट. तो अभी एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से कि हमारा एक पोर्टफोलियो है जिसमें काफ़ी सारे स्टॉक्स है, लेट्स से हमारे पास रिलायंस है, हमारे पास TCS है, इन्फोसिस है, HDFC बैंक है, लॉट ऑफ स्टॉक्स है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है. एंड वो पोर्टफोलियो है अभी राइट नाउ 10 CR का, ठीक है, 10 CR का पोर्टफोलियो है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल. एंड मुझे लग रहा है यहाँ से वन मंथ डाउन द लाइन फॉर एन एग्जाम्पल मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, तो अल्टीमेटली होगा क्या, मेरा जो 10 CR का पोर्टफोलियो है उसका भी प्राइस नीचे जाएगा. वो 10 CR का 10 CR तो होगा नहीं, वो उसका भी प्राइस नीचे जाते रहेगा बिकॉज अल्टीमेटली आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट नीचे जाएगा या मार्केट नीचे जा रहा है ड्यू टू व्हाट्स एवर रीजन. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल लेट से वो हो गया 8 CR, तो यहाँ पर मुझे नेट लॉस तो हो चुका है 2 CR का ऑलरेडी. तो अभी टू रिड्यूस द फर्दर लॉस पीपल ट्राई टू कम टूवर्ड्स द डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट लाइक समथिंग लाइक दे विल सेल अ फ्यूचर्स, दे विल सेल अ कॉल ऑप्शन, दे विल बाय अ पुट ऑप्शन टू हैच दैर पोर्टफोलियो टू लिमिट दैट लॉस. मतलब अगर और मार्केट नीचे जाते रहा तो मेरा तो जो अभी 8 CR पे पोर्टफोलियो है वो 5 CR हो सकता है या फिर मे बी 4 CR हो सकता है, जो भी हो सकता है, राइट. टू ट्राइंग टू लिमिट दैट लॉस पीपल एंटर डेरिवेटिव. तो वी विल ट्राई टू लर्न, मतलब हम पढ़ेंगे आगे भी समझेंगे कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज है जो हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं एंड वॉट ऑल आर द स्ट्रैटेजीज, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, फ्यूचर स्ट्रैटेजीज टू डील इन दिस टाइप ऑफ सिनेरियोज. बट अल्टीमेटली दिस आर द टू मेजर रीजन्स वाई पार्टिसिपेंट्स यूजुअली एंटर द डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है. तो कमिंग टू अ कंक्लूजन वाई पीपल एंटर इन टू डेरिवेटिव, फर्स्ट वन इज majority of the participants look at it from a trading perspective. They come in the market, they try to make profit or book their losses, they take an exit. Aate hain, ya to profit, ya to loss karke exit lete hain. Then second one is, they come with a perspective of speculation. Even in the falling markets, hum paisa banane ka try kar sakte hain wahan pe. Third one is hedging. Hedging is basically, hum ek loss to an extent limit karne ka try karte hain in that scenario. So I would say that pretty much was it from this video. तो आज के वीडियो में हमने समझा कि derivatives जैसा कुछ instrument, why does it exactly exist? तो ultimately आगे आने वाले series में हम समझेंगे what is futures, what is options, what is call option, what is put option, फिर option Greeks and a lot of things. तो if you have liked the video, आप subscribe कर सकते हैं. Also you can hit the bell icon to stay notified. And I'll see you all in the other video. Thank you so much. See you all in the next video.